दिल्ली की सेवाओं और ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच उस पर विधेयक लाने की खबरें सामने आने के बाद भारत राष्ट्र समिति ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। भारत राष्ट्र समिति ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने और दिल्ली में सेवाओं से जुड़े अध्यादेश संबंधी विधेयक के खिलाफ मतदान करने के लिए सोमवार को व्हिप जारी किया है। बता दें बीआरएस पार्टी ने एक बयान में कहा कि बीआरएस के सभी सांसदों से अनुरोध है कि वो किसी भी समय सदन में लाए जाने वाले दिल्ली सेवा अध्यादेश संबंधी विधेयक के खिलाफ मतदान करें। उच्च सदन में बीआरएस के 7 सदस्य हैं। पार्टी द्वारा जारी बयानों में कहा गया है कि इन सभी सदस्यों को 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच और विधेयक पर मतदान खत्म होने तक संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बता दें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में समूह ए संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए प्राधिकार गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस विधेयक को लेकर तकरार जारी है। एक और जहां कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस विधेयक को लेकर लामबद्ध हो गया है, तो वहीं बीआरएस ने भी इस विधेयक के खिलाफ वोट डालने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। बता दें कि इस विधेयक के खिलाफ पहले पूरा विपक्ष खुलकर दिल्ली सरकार के साथ नहीं आया था, लेकिन कांग्रेस ने बीते दिनों खुलकर इसके खिलाफ रहने का ऐलान किया। तब से पूरा विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ लामबद्ध हो गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पहले से ही इस विधेयक के खिलाफ मुकर रही है। अब पूरा विपक्ष भी इस मामले में आम आदमी पार्टी के साथ आ गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में पेश होने के बाद ये विधेयक पास हो पाएगा या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें।